हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आईटीसी के बेहतरीन शेयर की। क्या उसे लाइफ लॉन्ग अपने बच्चों को, मतलब कहते हैं कि लेगेसी के रूप में पास ऑन कर जाना चाहिए, या फिर आने वाले समय में भी हम एसआईपी की तरह इसमें अक्यूमुलेशन करके रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, यह मार्केट का दिग्गज है, ये सबको पता है, सिगरेट किंग है, ये सबको पता है, बट क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्यों होता है इसमें गिरावट का दौर, वो जल्दी हम जान लेते हैं। बट रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे का निशान है वो जरूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आप उसको मिस कर जाएंगे दोस्तों, जो हमारी वीडियोज होती है। और इस चैनल की एक्यूरेसी मोर देन 85% है, जो हमने दिखाया है वो सब होता है यहाँ पर, बट मे बी 15% तो किसी के साथ कुछ भी होता है, 15% तो लाइफ के कॉशन लेने के बाद में भी नहीं हो पाती है, तो फिर ये तो स्टॉक मार्केट है दोस्तों। तो राकेश झुंझुनवाला जी का 1700 का शेयर 700 रुपए घूम रहा है लुपिन में, तो वो भी लेके स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? टाइटन आज अच्छा खासा ग्रोथ में है उनका, तो ये सब पहलू होते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अकाउंट ओपन करके काम करना और डेली बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पर ट्रेड करके, मीन्स इफ यू हैविंग अ 10,000 रुपीज देन यू कैन ऑल्सो डू ट्रेड इन अ बैंक निफ्टी विद अस, और आप इंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट को। जैसे कि आज आपने देखा भी होगा कॉल्स को, किस तरीके से हमने कॉल किया, काम किया मॉर्निंग में 200 रुपीस का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 29,200 का विद इन अ 15-20 मिनट में 100 रुपीस प्लस करके दिया है, और उसके अगेंस्ट जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही नॉमिनल, यानी 40 रुपये था। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे काम करना तो आप जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, NSM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, माय कांटेक्ट नंबर इज 9336182900। यू कैन कांटेक्ट विद मी रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग, और इफ यू वांट माय पर्सनल सर्विसेज यू कैन आल्सो कॉल मी। आफ्टर सीइंग एक्यूरेसी मे बी यू विल बी थिंक कि यू कैन कांटेक्ट वंस, सो ओके यू कैन कांटेक्ट बॉस बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, बट माय पर्सनल सर्विसेज इज डिफरेंट एंड अकाउंट ओपनिंग इज आल्सो डिफरेंट। ओके, सो इन द सिंपल वे दोस्तों, आज एक बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ, इवन अगर हम इन 5 डेज को 5 डे के वॉल्यूम को का एवरेज वॉल्यूम ले, तो भी ये वॉल्यूम्स आज का जो है इन सिंगल डे का अच्छा खासा होगा, एवरेज से ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है, जो कि इसने प्रीवियस के लो को से बहुत अच्छी ऊंचाई पर आज स्टॉक ने बंद दिया है, और इस स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वही डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है कि भैया कुछ बहुत दिनों तक आपने यहाँ पर एक सपोर्ट के तरीके से बिहेव देखा था, जो कि टूटने के नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो स्टॉक है ना, बहुत ही ज्यादा अप्रोचेबल स्टॉक है, क्योंकि जब भी ये रेंज में आता है दोस्तों, तो ये ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पर कुछ ही वीक्स में दिख रहे होंगे कि कितने सारे बॉटम बने, बट इस बॉटम को उसने कल के दिन में, और मतलब कल के दिन में तोड़ दिया, और आज वापस उससे कोशिश करी है, बट अगेन विल बी अ रेसिस्टेंस। दोस्तों, अगर इसी तरीके से स्टॉक मूव करता है तो हम कुछ मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं, कुछ एनालिसिस लेते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉक को प्रिडिक्शन, जो कि हमारे लिए काम करे, मतलब स्टॉक हमारे लिए वैल्यूएबल साबित हो, उसको अगर हमें कोशिश करे तो कहाँ जा सकता है वो स्टॉक। तो दोस्तों, सिंपल वे, अगर हम कोशिश करें कि हमारा ये स्टॉक भागे, हमारा ये स्टॉक हमें पैसा बना के दे, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? तो चलिए आईटीसी के शेयर पर चलते हैं दोस्तों, और आईटीसी के कुछ लेवल्स हमारे दिमाग में जो आ रहे हैं वो आपके लिए लाते हैं दोस्तों। वीडियो हम बड़े मुश्किल से और आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर बनाते हैं, तो अगर आपको जरा भी लगती है तो प्लीज़ उस पर थम्सअप का निशान देना ना भूलें, और सबसे बड़ी मेहरबानी ये करिए कि भैया नोटिफिकेशन का आइकॉन दबा के रखिए, ताकि आपको वीडियोस प्रॉम्प्ट वे में इंस्टेंट डिलीवर हो सके, जो कि हम यहाँ पर आपके लिए बनाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, कि अगर आपको मिलेगी नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब आप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर बनाने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ घंटे का निशान ज़रूर दबा दें। अच्छा, किस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है वो जानना जरूरी है दोस्तों। तो स्टॉक एक बेहतरीन अब रेसिस्टेंस बन चुका है, जो कि आपको दिख ही रहा है दोस्तों ये स्टॉक,
और स्टॉक में मूवमेंट कहां तक आ सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मोबाइल और नेटवर्क कनेक्शन का थोड़ा इशू आ गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा शॉर्ट आउट विद इन अ मिनट। तो दोस्तों ये अप्रोच हमें बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुपर लगती है कि भाई जहां पर भी मल्टीपल बॉटम्स बने हों और उसको तोड़ा हो तो फिर वो रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। और रेसिस्टेंस अगर यहाँ पर फिर अगर आपको ये कैंडल पर एक रेसिस्टेंस मतलब कल फेस करे देन आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई आईटी जैसा स्टॉक आज जितने डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है इस स्टॉक में, ये आपको फर्दर अच्छे खासे मूव्स देखे जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे दोस्तों आज के दिन में आपको इसमें जो वॉल्यूम्स हुए वो 14.2 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के वॉल्यूम्स हुए हैं दोस्तों। और चलिए इशू खत्म हो गया, मेरे मोबाइल का जो इशू था डाटा इंटरफेस में इशू आ गया था, कोई नहीं अभी मैंने उसको शॉर्ट आउट कर लिया है, हो गया है। अब चलिए हम सिर्फ एक सिंपल वे में समझने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक में ज्यादा रेंज नहीं है दोस्तों। इसके 20 दिन या 30 दिन का जो ओपन और सॉरी हाई और मतलब हाई और लो की बात करें, हाई था इसका 2.90 और लो है वो है 264, जो कि आपको कल देखा होगा और कुछ ये इसी तरीके से बिहेव कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। बट इसमें नेक्स्ट लेवल दोस्तों 270 का एक 271.50 का एक रेसिस्टेंस जो फेस करेगा, अगर इस रेसिस्टेंस को निकालता है चाहे किसी भी दिन के इंट्राडे में भी निकाल देगा तो सर आपका टारगेट जो होगा ना सर वो होगा 275, देन आपको 278 और फिर इसी तरीके से 290 तक के लेवल दिख जाएंगे। ये डाटा बोलता है दोस्तों, मैं नहीं बोलता, मुझे जो समझ आ रहा है मुझे जो दिख पा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको इंट्राडे में कल इसको ट्रेड करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों तो ये जो आपको जो 272.50 रुपए के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक मिले, मतलब मैं कहूँगा 272.80 रुपए से लेके 50 पैसे, आप 80 पैसे पकड़ लीजिए मोर गुड हो जाएगा, तो ये टारगेट आपके 273.80 रुपए, 275 रुपया। और देन दोस्तों ये स्टॉक इतना मूव ही नहीं करता है कि मैं इसके बड़े टारगेट सजेस्ट करूँ, बट कर गया मतलब इस तरीके का अगर ये अप्रोच आ गया जैसे कि शॉर्ट जो है वो शॉर्ट कवरिंग हो गई देन स्टॉक विल मूव, तो आप इसके लिए स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 268 रुपए के नीचे रखने की कोशिश करें या फिर 267.50 रुपए के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इन 50 पैसे के मूवमेंट को अगर आप बराबर से ले पाए तो, ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर हम कुछ वीकली चार्ट के पैटर्न को भी देख लेते हैं कि भैया वीकली क्या बोलता है दोस्तों। तो वीकली ये बोलता है हमें कि भैया इस स्टॉक में यही सपोर्ट वीकली पर, जो डेली टूटा था बट वीकली का सपोर्ट तो यही है, देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑब्वियस आप देख पा रहे होंगे टूटा फिर आया फिर यहीं से घुमा फिर यहीं आया फिर यहीं घुमा फिर लगभग यहीं आया फिर यहीं घुमा और यहीं लगभग, दैट मीन्स द सिंपल वेरी क्लियर मेथड कि भैया यहीं से चलूंगा मैं और लोगों को पैसा बना के दूंगा ITC में, ये ITC का फंडा यहाँ से दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा में बहुत गिरावट है तो 250 तक की गिरावट आपको दिख रही है। बट अगर जो भी पोजिशनल प्लेयर होते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर होते हैं वो स्विंग का यूज करते हैं हमेशा ऐसे लेवल्स पर, तो अगर इस तरीके से भी अगर हमें 10 से 15 रुपए का मूव मिल जाता है दोस्तों तो ये बहुत ही ज्यादा वेल सुटेबल हो जाता है। सिगरेट की कंपनी है, सिगरेट पीना कोई भूलेगा नहीं, भले ITC की होटल चले ना चले बट सिगरेट चलेगा लाइफ टाइम। और हमेशा लोगों को यही है कि ऐसे ही बिजनेस पकड़ने चाहिए जिसमें कंजम्पशन हो और ऐसा कंजम्पशन हो जो कि जिसको छूट है, पुलिस मारे आदमी मारे बीवी बोले बच्चा बोले छोड़ दो पर आदमी छोड़े ना, तो वही ऐसे ही है कि भाई इसको मार मार के भी बोलेंगे तो नहीं छूटेगा। और हर 18 साल के बाद इवन 10 साल की उम्र में लोग पान मसाला खाना बच्चे लोग पान मसाला खाना शुरू करते हैं तो फिर सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस है कंजम्पशन तो है ही ना दोस्तों, एक बंद होगा दूसरा बंद नहीं होगा, किस किस को समझाएंगे लोग, कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलेगी सरकार, वो सब डिपेंड करेगा। अच्छा है कि हम लोग दूर हैं इस चीज़ों से बट अगर नहीं है तो हमें दूर होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि
ये हमारे लाइफ को इवन हमारे फैमिली को बर्बाद कर देगा। ये क्या बोलते हैं, नशा, और नशा बहुत ही बुरी चीज है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।